नमस्कार विद्यार्थियों, लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम पे सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। क्रैक आरपीएससी विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म, सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। बात करेंगे हम वाईटी पे और स्पेशल क्लास, दो तरीके की क्लास, तीन तरीके की क्लास होती है। प्लस फीचर्स आपको जब आप सब्सक्रिप्शन लेंगे तब आप देख सकते हैं। स्पेशल क्लास अनअकैडमी ऐप पे फ्री होती है। वाईटी क्लास की अगर बात करेंगे तो वाईटी भी आपके लिए फ्री होता है। ओके, अनअकैडमी डाउनलोड कीजिए। कैसे? आप मेरी स्पेशल क्लास देख सकते हो। अनअकैडमी डाउनलोड कीजिए, अपने नंबर से लॉग इन कीजिए, आरपीएससी को सेलेक्ट कीजिए, मेरे कोड को अप्लाई कीजिए। कोड इज किंजल 10। डेली लाइव क्लास, लाइव टेस्ट, स्ट्रक्चर कोर्स, अनलिमिटेड एक्सेस अवेलेबल। फ्री और प्लस की बात करेंगे हम तो फ्री पर लिमिटेड सिलेबस, लिमिटेड प्रैक्टिस सेट, लिमिटेड पीडीएफ, डाउट क्लियर सेशन कंप्लीट यहाँ पर है। प्लस की बात करेंगे, कंप्लीट सिलेबस, अनलिमिटेड प्रैक्टिस सेट, अनलिमिटेड पीडीएफ, रेगुलर डाउट क्लियर सेशन अवेलेबल। प्लस फीचर्स, घर बैठे टॉप एजुकेटर के द्वारा आप पढ़िए आराम से, आपको कंप्लीट प्रिपरेशन करवाई जाएगी, डाउट क्लियर सेशन करवाए जाएंगे, लाइव टेस्ट सीरीज लिया जाएगा, स्टडी मटेरियल, आंसर राइटिंग सेशन, मेंटरशिप एंड गाइडेंस यहाँ पे मिलेगा। आरपीएससी न्यू अनाउंसमेंट, ग्रेट, 12 महीने में 3 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री है। 24 महीने का अगर आप लेते हो तो आपको 4 महीने का फ्री, यानी 28। तो डोंट मिस द गोल्डन अपॉर्चुनिटी। अब आपको 24 महीने, 2 साल में 4 महीने और फ्री मिल रहे हैं, ठीक है? और ये टेस्टिमोनियल है जो आप देख सकते हैं। अगेन, यहाँ पे आरपीएससीएसआई के लिए, आरपीएससीएसआई के लिए दिए गए हैं। 50 डेज आरएएस प्रीलिम्स क्रैश कोर्स, सर्वश्रेष्ठ क्रैश कोर्स अवेलेबल। फिर हम बात करेंगे योद्धा 27 सितंबर, विजय 29 सितंबर। बैच कोर्स फॉर राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम आरएएस प्रारंभिक तथा मुख्य परीक्षा 2022 की संपूर्ण तैयारी। आरएएस एसआई पटवार, हेडमास्टर वनपाल, किसी भी एग्जाम के लिए सब्सक्राइब कीजिए अन अकेडमी को। डिस्काउंट ऑन सब्सक्रिप्शन विल बी 10%। 1 महीने का लो, 3 महीने का लो, 6 महीने का लो, या फिर 12 महीने का लो, या आप 24 महीने का लो, सब्सक्रिप्शन आपको फ्री मिलेगा। कॉम्बो सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है आप सभी लर्नर्स के लिए। अनअकैडमी लाया है मेगा कॉम्बो ऑफर, ठीक है? एमपीपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीएससी एंड बीपीएससी। पहला सवाल आप सभी के लिए, एक विशेष स्तर पर बच्चे मौलिक तर्क का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं तथा सभी प्रकार के प्रश्नों का जवाब जानना चाहते हैं। प्याजे ने इसे अंतर्ज्ञान कहा है। प्याजे के अनुसार निम्न में से कौन सा चरण का यह अर्थ है? बताइए, साकार संचालन, पूर्व संचालन, औपचारिक संचालन या फिर उपरोक्त कोई भी नहीं। जल्दी से बताइए क्या होगा आपका सही जवाब। देखिए, जीन प्याजे ने 4 प्रकार की अवस्थाएं बताई है और जिसमें आप लोगों को पता होगा एक इसमें नहीं है, जो कि है संवेदी गामक पहली, उसके बाद प्राक संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक, मौलिक तर्क। देखिए, अगर हम बात करेंगे तार्किक, कब बच्चा तार्किक चिंतन करना शुरू करता है तो जानिए, संवेदी पेशे में बच्चा चिंतन अभाव होता है, चिंतन का उस समय कोई चिंतन बच्चे में नहीं होता है, क्योंकि भाई 2 से 2 साल तक का बच्चा उसमें क्या चिंतन करेगा। दूसरा होता है पूर्व संचालन की अवस्था, प्राक संक्रियात्मक, जो कि होती है 2 से 7 वर्ष की आयु। इस आयु के अंदर बच्चा मौलिक तर्क कह लो या फिर आप इसे आदिम तर्क कह लो, क्या? आदिम तर्क। इन दोनों तर्क, ये जो दोनों तर्क है एक ही बात होती है, मतलब बच्चा जो है छोटी छोटी चीजों को लेकर तर्क करता है, सवाल करता है ये क्या है, ये क्यों है, वगैरह वगैरह। तो मौलिक तर्क, नॉर्मल तर्क, प्राक संक्रियात्मक, तो हमारा उत्तर तो मिल गया। अब रही बात साकार संचालन, ये मूर्त संक्रियात्मक है, 7 से 11 या 12 वर्ष, और औपचारिक है 11-12 वर्ष से लेकर 15 वर्ष या फिर वयस्क अवस्था। तो मूर्त रूप से तार्किक चिंतन मूर्त अवस्था में होता है और तार्किक चिंतन मूर्त और अमूर्त दोनों औपचारिक में होता है। तो हमारा उत्तर तो हमें मिल गया, मौलिक तर्क इक्वल टू बी। स्कीमा का मतलब है खंडन क्रिया विधि,
अधिगम विधि लंबे समय की याददाश्त में सूचना के संगठित पैकेट्स का एकत्रित होना, शारीरिक प्रतिवाद क्रिया विधि। जल्दी से बताइए क्या होगा जवाब? स्कीमा, प्याजे ने ही स्कीमा का एक अवधारणा दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, बहुत ये जो अवधारणाएं प्याजी ने दी है उनको लेकर बड़े प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो स्कीमा क्या होती है? जो उन्होंने चार आपके संज्ञानात्मक विकास में अवस्थाएं बताई है, उन हर अवस्थाओं में बच्चे के अंदर स्कीमा क्रिएट होती है अलग अलग माध्यम से। होता क्या है, देखिए स्कीमा कुछ भी नहीं है, हमारे दिमाग के अंदर जो भी सूचनाएं होती है भाई, हम किसी ना किसी तरीके से, हमारे दिमाग में ज्ञान आता है, सूचनाएं आती है, तो इन्हीं का जो पैकेट है जो आपके दिमाग में अवेलेबल है, जिससे आप व्यवहारिक जीवन की समस्याओं का समाधान करते हो, बस वही स्कीमा कहलाती है। तो सी उत्तर हो जाएगा। क्लियर? तो हमारे दिमाग के अंदर जितना भी ज्ञान है जो किसी भी किसी ना किसी तरीके से हमारे अंदर बना है, तो ये जो सूचनाएं हैं दिमाग में, इन्हीं का पैकेट, क्योंकि बहुत सारी सूचनाएं हैं तो ये पैकेट बना दिया इसे प्याजे ने, इसी को हम स्कीमा कहते हैं। कितना सरल है देखिए, और स्कीमा स्कीमा हमें समझ में नहीं आता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, स्कीमा बहुत ही इजी चीज होती है, हमारे दिमाग की सूचनाओं का पैकेट है। डैश की अवस्था तक बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियां पूर्ण विकसित हो चुकती है, 3 अथवा 4 वर्ष, 6 अथवा 7 वर्ष, यहाँ पे 8 से 9 वर्ष लिखा हुआ है और इनमें से कोई नहीं। देखिए क्या होगा उत्तर, बहुत सारे बच्चों ने क्या पहला उत्तर किया होगा इसका, क्योंकि मारिया मोंटेसरी के अनुसार तो इस समय होती है, बट यहाँ पे ये स्टेटमेंट सिर्फ एक लाइन से बदलता है जो है पूर्ण विकसित हो चुकी है। ठीक है, क्या होगा आंसर बताइए आप लोग, कौन सा सही लग रहा है? ओके, सो हियर इट इज, आंसर है आपका कि भाई प्याजे जो है आपके, प्याजे जो है, सॉरी प्याजे नहीं, मैं प्याजे वाला कंसेप्ट दिमाग में भी चल ही रहा था इसमें को लेकर, प्याजे की बात नहीं की जा रही यहाँ पे। मारिया मोंटेसरी ने तो 3 4 बताया, लेकिन यहाँ पर एक वर्ड लिखा है पूर्ण, तो क्योंकि पूर्ण की बात की जा रही है इसीलिए इसका जो आंसर है वो 8 से 9 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, दल या गैंग का सदस्य होने से सामाजिकरण उत्तर बाल्यावस्था में बेहतर होता है, निम्न में से कौन सा कथन इस विचार के विपरीत है? पहला, वयस्कों पर निर्भर न होकर सीखता है, जिम्मेदारियों को निभाना सीखता है, अपने समूह के प्रति वफादार होना सीखता है, छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करते हुए अपने गैंग के सदस्यों से लड़ाई मोल लेता है। तो बताइए क्या होगा जवाब, फटाफट से आंसर दीजिए। जी देखिए, गैंग या सदस्य का सामाजिक उत्तरण से बेहतर होता है, कौन सा विपरीत है, उल्टा पूछ रहा है, तो वयस्कों पर निर्भर न होकर के सीखता है ये सही है, विपरीत नहीं है, जिम्मेदारियों को निभाता है ये भी ठीक है, अपने समूह के प्रति वफादार होता है ये भी ठीक है, छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करते हुए अपने गैंग के सदस्यों से लड़ाई मोल लेता है, ये है आपका आंसर। क्योंकि देखिए सामाजिकरण जो सबसे ज्यादा होता है वो बाल्यावस्था में ही होता है, बच्चा स्कूल जाता है, समूह बनाता है, गैंग बनाता है, तो झगड़ा जरूर होता है, पर ऐसा नहीं है कि एक लंबी लड़ाई लेकर वो चले, तो ये सब चीजें नहीं होती है, समूह के प्रति बड़ा लगाव होता है, तो ये विपरीत है। ठीक है, तो डी आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगला, बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है, यह अवस्था है 7 से 12 वर्ष तक, 12 से वयस्क तक, 2 से 7 वर्ष तक और जन्म से 2 वर्ष तक, बताइए क्या होगा उत्तर? ये प्याजे का ही क्वेश्चन है, कौन सी अवस्थाएं हैं जानिए, ये है मूर्त संक्रियात्मक,
जो कि तीसरी अवस्था है, ठीक है, ये है अमूर्त संकर्यात्मक, जिसके औपचारिक भी कहते हैं हम, ठीक है, इसे हम औपचारिक भी कहते हैं, ये फोर्थ है। 2 से 7 ये प्राक संकर्यात्मक, ठीक है, ये दूसरी है, और ये है संवेदीगामक। ठीक है, तो ये 4 अवस्थाएं हैं जो कि प्याजी ने बताई है, उल्टा लिख रखा है यहाँ पे। उल्टे में भी फर्स्ट नंबर ध्यान रखिएगा संवेदीगामक है, दूसरी प्राक संक्रियात्मक है, तीसरी मूर्त संक्रियात्मक है, और चौथी अमूर्त संक्रियात्मक है। अब ये कह रहे हैं कि अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों से प्रत्यय अनुभवों या प्रत्ययों से होती है। तो भाई तार्किक चिंतन तो करता है लेकिन मूर्त अनुभवों से ही करेगा, तो ये अवस्था होती है मूर्त संक्रियात्मक, नाम से ही पता चल रहा है, हमारा आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, अगर अमूर्त की बात कहता तो हमारी होती दूसरी वाली, यानी 12 से वयस्क अवस्था तक। क्लियर। नेक्स्ट, 20वीं शताब्दी को बालकों की शताब्दी कहा जाता है, ये परिभाषा दी किसने है? मुरे, एडलर, क्रो एंड क्रो, इनमें से कोई नहीं, बताइए कौन सा ठीक लग रहा है। ये आपके मनोविज्ञान की बहुत ही चर्चित डेफिनेशन है जो आप सभी को पता होगी, ठीक है। अच्छे से आप लोग याद रखिएगा, वो फ्रेशर बच्चों के लिए, बाकी सभी बच्चे तो इसका आंसर अच्छे से जानते ही हैं। ये स्टेटमेंट है क्रो एंड क्रो का, किसका, क्रो एंड क्रो का, एलिस क्रो एंड लिस्टर क्रो। निम्न में से कौन सा कथन अभिप्रेरणा एक प्रक्रिया के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है? यह व्यक्ति को लक्ष्य की ओर ले जाता है। दूसरा, यह व्यक्ति की शारीरिक आवश्यकताओं की संतुष्टि करता है। यह मनोवैज्ञानिक आकांक्षा को प्राप्त करने में सहायता करता है। यह व्यक्ति को अप्रिय स्थिति से दूर रखता है। बताइए क्या होगा उत्तर? जी बताइए, मोटिवेशन क्या क्या काम करता है और कौन सा नहीं करता है, ये पूछा है। नहीं का आंसर हमें चाहिए। तो क्या ये लक्ष्य केंद्रित प्रक्रिया है? डेफिनेटली, अभिप्रेरणा आपको आपके लक्ष्य के पास पहुंचाती है, बिल्कुल सही है। यह व्यक्ति की शारीरिक आवश्यकता की संतुष्टि करता है, बिल्कुल, क्योंकि मोटिवेशन जो प्रक्रिया है वो आरंभ ही आपकी आवश्यकता से होती है। आवश्यकता का मतलब ही आपके शरीर में कमी या अधिकता का होना होता है, ठीक है, तो ये भी ठीक है। यह मनोवैज्ञानिक आकांक्षा को प्राप्त करने में सहायता करता है, बिल्कुल सही है। यह व्यक्ति को अप्रिय स्थिति से दूर रखता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप चाहे कितने ही मोटिवेटेड क्यों ना हो, स्थितियां, बाहरी जो स्थितियां हैं उससे आपको दूर नहीं रख सकती, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको उदाहरण दूंगी, अभी बच्चे बहुत मोटिवेट थे एग्जाम देने के लिए, ठीक है, लेकिन कुछ बच्चियों को समय, वो लोग टाइम पर नहीं पहुंची तो उनको एग्जाम देने नहीं दिया गया, और एक बहुत ही खराब बात हुई थी, ठीक है। तो ये जो अप्रिय स्थिति हुई, तो क्या वो अभिप्रेरणा उसको दूर कर पाई? नहीं कर पाई। तो ये जब मैंने वीडियो देखा तो बहुत ही खराब लगा। अनुषा, ये जो प्रशासन ने जो कार्य किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था, उन बच्चियों को मौका देना चाहिए था, 2 सालों की मेहनत है उन लोगों की। खैर, अब उपाय नहीं है, जिसमें वो लोग समय पर भी पहुंच गई थी। तो अप्रिय स्थिति चाहे कोई भी हो, उसको आप दूर नहीं कर सकते। निम्न में से किसने सामाजिक रचनावाद दर्शन पर अत्यधिक बल दिया? वाइगोत्स्की, प्याजे, डेवी, कॉलबर्ग। सामाजिक रचनावाद दर्शन पर अत्यधिक बल दिया वाइगोत्स्की, प्याजे, डेवी एंड कॉलबर्ग। देखिए, रचनावाद कह लो, सृजनवाद कह लो, ठीक है, आप इसे सृजनवाद भी कह सकते हो, आप इसे निर्मितवाद भी कह सकते हो, ठीक है। तो जो ये निर्मितवाद है, ये 2 टाइप का होता है। एक तो होता है संज्ञानवादी, कौन सा, संज्ञानवादी, ठीक है,
एंड दूसरा जो होता है आपका वो होता है आपका सामाजिक रचनावाद। तो जो संज्ञानवादी है उसमें आपके दो नाम आएंगे, एक ब्रूनर दूसरा प्याजे। और सामाजिक रचनावाद की बात की जाएगी तो उत्तर होगा लेव वाइगोत्स्की। वाइगोत्स्की कहते हैं कि अधिगम में, बच्चे के अधिगम में सर्वाधिक महत्व समाज, संस्कृति, और थर्ड जो इन्होंने इंपॉर्टेंस दी है वो दिया है आपकी भाषा को। किसको दिया है? भाषा को दिया है। तो आप सभी ध्यान रखिएगा, तो याद रखिएगा सामाजिक रचनावाद के प्रतिपादक वाइगोत्स्की, जिन्होंने जेड पी डी का कंसेप्ट दिया है, पाडा स्केफोल्डिंग एम के ओ दिया है। ठीक है, नेक्स्ट। राजू खरगोश से डरता था। शुरू में खरगोश को राजू से काफी दूर रखा गया। आने वाले दिनों में हर रोज खरगोश और राजू के बीच दूरी कम कर दी गई। अंत में राजू की गोद में खरगोश रखा गया और राजू खरगोश के साथ खेलने लगा। यह उदाहरण किसका है? प्रयत्न एवं त्रुटि सिद्धांत का, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत का, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का, या फिर इनमें से सभी का? तो आप सभी को पता है कि कौन सा सिद्धांत है जो भय का निवारण करता है? तो आप सभी जानते हैं ये आईपी पावलो, इवान पेट्रोविच पावलो का सिद्धांत है, जिसे आप शास्त्रीय अनुबंधन, परंपरागत अनुबंधन, ठीक है, कहते हो। ये एस टाइप थ्योरी है, याद रखिएगा। तो इसमें भय का निवारण किया जाता है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन कहलाता है। अभ्यस्तता अधिगम, अस्थायी अधिगम, अभिप्रेरणा, कौन सा सही लग रहा है बताइए, फटाफट से आंसर कीजिए। देखिए, पहली बात अभिप्रेरणा, उल्टे चलते हैं हम। अभिप्रेरणा क्या है? एक प्रोसेस है जो आवश्यकता से आरंभ होता है, ड्राइव उत्पन्न होता है, आपको आपके लक्ष्य पास पहुंचाता है। ये तो नहीं है अस्थायी अधिगम जैसी, ऐसा ही अधिगम होता ही नहीं है। अधिगम तो अपेक्षाकृत स्थायी होता है। अधिगम ये कोई प्रक्रिया नहीं है, क्योंकि अधिगम होता है अनुभव, अभ्यास, प्रशिक्षण के माध्यम से आपके व्यवहार में होने वाला अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन। ये भी नहीं है। अभ्यस्तता, किसी भी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन अभ्यस्तता है। आप अभ्यस्त हो जाते हो बस उस चीज को करने के लिए, बाकी ये कोई अधिगम नहीं कहलाता है। क्यों? क्योंकि ना ही अनुभव से हुआ, ना ही प्रशिक्षण से हुआ है, ना ही अभ्यास से हुआ है। ठीक है, अन्य किसी भी कारण से आपके व्यवहार में अगर कोई परिवर्तन होता है वो अधिगम नहीं कहलाता है। नेक्स्ट नेक्स्ट इज, अगला है आपके लिए क्वेश्चन। जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है, न कि प्रत्यक्ष अनुभव के, को कहा जाता है? सामाजिक अधिगम, अनुबंधन अधिगम, प्रायोगिक अधिगम, आकस्मिक अधिगम। सो जल्दी से बताइए क्या होगा जवाब। भाई हम किसी को देखकर सीख रहे हैं, मतलब प्रत्यक्षीकरण किया आपने, ठीक है, पहले प्रत्यक्षीकरण फिर अनुकरण, तो प्रत्यक्षरात्मक सीखना कहते हैं इसे। तो अनुकरण के माध्यम से अगर सीखोगे सामाजिक अधिगम कहलाएगा। अल्बर्ट बांडूरा, वर्तनी वाचन गणना में कठिनाई, सामान्य बुद्धि एवं अच्छी अनुकूलनात्मक योग्यता विशेषता है धीमी गति से सीखने वाले की, सामान्य औसत अधिगमकर्ता की, मानसिक रूप से पिछड़े बालकों की, अधिगम निर्योग्य बालकों की, बताइए। क्या होगा आंसर? ओके, तो देखिए, वर्तनी वाचन गणना में कठिनाई, सामान्य बुद्धि, ये योग्यता जो है ये अधिगम निर्योग्य बालकों की है।
क्योंकि वर्तनी हो, वाचन हो, गणना हो, ये वही है आपकी डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसकैलकुलिया। ठीक है, निम्न में से कौन सा व्यवहार भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता है? बाल अपराध, कमजोरों को डराने वाला, भगोड़ापन, स्वालीनता। तो आप लोगों ने आंसर दे दिया होगा। देखिए, बाल अपराध, ये जो अपराधी बच्चे होते हैं ना कभी कोई भावात्मक प्रकार से ठेस पहुंची होती है, तो ये है। कमजोरों को डराने वाले जो लोग होते हैं, ये भी भावात्मक बाधा का ही एक प्रकार है, क्योंकि ये मतलब ये सही है। ठीक है, हमें तो नहीं पूछा है, ठीक है, मैंने रोंग यहाँ किया है, इसका मतलब ये नहीं कि ये नहीं है, ये है। कमजोरों को डराने वाला तो भावात्मक बाधा ही है, वो व्यक्ति भावात्मक रूप से ही बाधित होते हैं जो कमजोरों को, अपने से निम्न स्तर के लोगों को डराते हैं। एक्चुअली वो खुद अंदर से डरे हुए होते हैं, कमजोर इंसान होते हैं। तो ये होगा आपका सही। भगोड़ापन, हम क्यों भाग जाते हैं, तो ये एक भावात्मक बाधा है, तो ये भी सही है। स्वालीनता, ये एक स्नायु प्रवृत्ति का विकार है, तो ये डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी बौद्धिक परीक्षण के लिए उपयोग करने की सावधानी नहीं है? IQ स्कोर के आधार पे अनुचित रूढ़िवादी और छात्रों के बारे में नकारात्मक उम्मीदों से बचना, बुद्धि का व्यक्तिगत आकलन परीक्षक और छात्र के बीच एक संरचित बातचीत है, क्षमता की मुख्य या एकमात्र विशेषताओं के रूप में IQ परीक्षणों का उपयोग ना करना, एक समग्र IQ स्कोर की सार्थकता की व्याख्या में सावधान रहना। कौन सा आंसर लग रहा है, बताइए। देखिए, इस क्वेश्चन में थोड़ी सी दिक्कत हुई थी, दिक्कत में समझने में प्रॉब्लम आ रही थी, सावधानी नहीं की बात की जा रही है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जितने भी ऑप्शन है उसमें ये भी सावधानी है, ये भी है, ये भी है। केवल बुद्धि व व्यक्तिगत आंकलन परीक्षक और छात्र के बीच एक संरचित बातचीत, ये कोई सावधानी नहीं है, ये तो नॉर्मल बात है, ये तो होना ही है। नेक्स्ट, जिन बालकों की बुद्धि लब्धि है साधारणतः उन्हें मानसिक न्यूनता ग्रसित की श्रेणी में रखते हैं, 70 से कम, ये दो बार भी लिख दिया, 70 से ऊपर, 80 से 100 के बीच, इनमें से कोई नहीं। फटाफट से आंसर कीजिए, क्या होगा? हाँ जी, देखिए, 70 से कम क्रो एंड क्रो का स्टेटमेंट है, 70 से जो कम के बालक होते हैं वो मंद बुद्धि की कैटेगरी में आते हैं, उन्हें आप मंद बुद्धि, मूर्ख बुद्धि, मूढ़ बुद्धि कुछ भी कह सकते हो। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा यहाँ पे, क्रो एंड क्रो के द्वारा कहा गया है 70 से कम मंद बुद्धि, तो आंसर हमारा ए। व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की भूमिका कैसे होती है? नाम मात्र भूमिका है, महत्वपूर्ण भूमिका है, अपूर्वान्वयन भूमिका है, आकर्षक भूमिका है, बताइए। देखिए, पर्सनालिटी एंड बुद्धि में वंशानुक्रम की भूमिका नाम मात्र की होती है, ठीक है, लेकिन अगर अलग से पूछा जाए कि व्यक्तित्व में सर्वाधिक प्रभाव किसका पड़ता है, तो ध्यान रखिए वातावरण। बुद्धि में बात की जाएगी वंशानुक्रम, क्योंकि सीटेट में ऐसा आया हुआ है, ठीक है, बाकी सब अलग अलग मनोवैज्ञानिकों की अलग अलग बातें हैं। नेक्स्ट, बच्चों में अमूर्तमान प्रत्ययों को ग्रहण करने की योग्यता होती है, पिछड़े हुए, प्रतिभाशाली, मानसिक रूप से पिछड़े, इनमें से कोई नहीं, कौन सा ठीक लग रहा है, बताइए। सही जवाब कौन सा है भाई? अमूर्तमान मतलब अमूर्त रूप से वो प्रत्यय ग्रहण कर सके, ऐसी एबिलिटी तो उसी में हो सकती है जिसकी बुद्धि ज्यादा हो। तो भाई, पिछड़े हुए बालक तो ऐसे ही कक्षा के औसत बालकों से पिछड़े हुए हैं ये नहीं होंगे, मानसिक रूप से पिछड़े भी नहीं होंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, प्रतिभाशाली बच्चे। अगला, हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए, किसे दी जानी चाहिए? मंद बुद्धि बालकों को, पिछड़े बालकों को, सामान्य बालकों को, प्रखर बुद्धि बालकों को।
सो आप बताइए क्या होगा आंसर। देखिए आंसर वैसे दोनों ठीक है, पर सही उत्तर है मंदबुद्धि। हस्तशिल्प की शिक्षा मंदबुद्धियों को प्रायोरिटी में पहले इनको दी जानी चाहिए अगर हम कंपेयर करें, लेकिन दिया दोनों को ही जाता है। हस्तशिल्प इसलिए देते हैं कि बच्चे खुद पर डिपेंडेंट रहे, किसी और के ऊपर डिपेंडेंट ना रहे, खुद अपना जीवन यापन करे, खुद के द्वारा कार्य करे। तो जो बच्चे पढ़ लिख के कुछ नहीं कर पाते हैं उनके लिए हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए। तो एक तो मंदबुद्धि होनी ही है, ये तो कर ही नहीं पाएंगे, और कुछ जो पिछड़े हुए बालक है वो उनके लिए। तो फर्स्ट आंसर ये है, अगर ये नहीं आए तो पिछले बालक भी सही है। प्रजातिगत व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझने में निम्न में से क्या मददगार साबित नहीं होता है? मूल्य व्यवस्था, शाब्दिक अशाब्दिक संप्रेषण, अधिगम की प्रक्रियाएं एवं विभिन्न व्यवस्थाएं और बुद्धि, बताइए। क्या है जवाब, जल्दी से बताइए। देखिए इसमें जो आपका आंसर होगा वो होगा डी, बुद्धि। ठीक है, मूल्य व्यवस्था आप समझ ही पा रहे हैं, शाब्दिक एवं अशाब्दिक संप्रेषण। देखिए हमारे भारत के अंदर अलग अलग प्रजातियां हैं, तो हर एक संस्कृति के अपने अपने मूल्य हैं, आप समझ पाओगे। शाब्दिक अशाब्दिक तो और भी बेहतरीन है, भाषा से एक से ही पता चल जाता है कौन कौन कहाँ का है। अधिगम की प्रक्रियाएं, विभिन्न व्यवस्थाएं, ये भी देखिए सब की अलग अलग होती है। लेकिन बुद्धि, अब बुद्धि तो प्रजाति कैसे पता चलेगी भाई, बुद्धि तो कोई भी व्यक्ति का आप परीक्षण लोगे, ऐसे कैसे बताओगे ये किस प्रजाति से है। ठीक है, तो ये ठीक है आंसर हो जाएगा। एक समायोजन तंत्र में अतीत वर्तमान और प्रस्तावित व्यवहार के अनुमोदित कारणों में तार्किक और सामाजिक रूप से सोचना शामिल है, कहलाता है प्रतिकरण, परिमेयकरण, प्रतिगमन, दमन। क्या आंसर है? परिमेयकरण, क्योंकि यहाँ पे नाम दिया गया है तार्किकरण। तो जब तार्किकरण कहा जाए तो आपका उत्तर परिमेयकरण होगा, जहां अपनी असफलता के लिए कोई बहाना युक्ति तर्क दिया जाए। युक्तिकरण तार्किकरण यही है, अंगूर खट्टे हैं इसी का उदाहरण है। प्रतिकरण का मतलब क्षतिपूर्ति होता है, क्षतिपूर्ति कृत्रिम बनावटी तरीके से अपनी इच्छाएं, अपने आवश्यकताओं को पूरा करना। ठीक है, हाई हील की सैंडल पहनती है लड़कियां, ये उदाहरण प्राय आप देखते हो। प्रतिगमन, भूतकाल में लौटना, एक बुजुर्ग व्यक्ति का रोना। एंड दमन, एक अचेतन प्रक्रिया जिसमें आपकी अनैतिक सामाजिक इच्छा को अचेतन मन में धकेल दिया जाता है। नेक्स्ट, निम्न स्थितियों में से कौन समायोजन को बढ़ावा देती है? तीव्र उत्सुकता, अपराध का जुनूनी विचार, बीमारी का डर, न्यूरोटिक भय और चिंता से मुक्ति, बताइए। भाई तीव्र उत्सुकता से तो बिल्कुल समायोजन नहीं होगा, नहीं होगा। अपराधी जुनूनी विचार से बिल्कुल नहीं होगा, बीमारी का डर तो भी नहीं होगा, न्यूरोटिक भय और चिंता से मुक्ति, डेफिनेटली मुक्ति है तो आप यहाँ पे समायोजन कर पाएंगे। विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका अधिक महत्वपूर्ण है, बताइए। सहशैक्षिक क्रियाओं का प्रावधान, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, रुचियों की विभिन्नता, अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालय वातावरण। तो भी मानसिक स्वास्थ्य अच्छा कब रहेगा, वैसे तो ये सभी ठीक लग रहे हैं, लेकिन सबसे बेस्ट आंसर है अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालयी वातावरण। भाई सह शैक्षिक क्रियाओं का प्रावधान हो, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, रुचियों की विभिन्नता, कोई भी हो, ये सब इसी के अंदर शामिल है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन क्रियात्मक सोच से संबंधित नहीं है? क्रियात्मक शोध सिद्धांत निर्माण में सहायता करता है, यह व्यवहारिक समस्या के समाधान करने में सहायक है। त्वरित चिंताजनक समस्या के ऊपर यह केंद्रित होता है, यह रचनात्मक प्रतिक्रिया देता है, जैसे उद्देश्य और प्रणाली में खुला परिवर्तन होना। तो संबंधित नहीं है क्रिया प्रसूत, स्टीफन एंड कोरे ने दिया है ये जो सिद्धांत है, ये आप जो देख रहे हो। क्रियात्मक अनुसंधान में सिद्धांतों का निर्माण नहीं होता है, बल्कि अनुसंधानों में होता है, इसमें नहीं होता है। बाकी ये सभी उदाहरण क्रियात्मक अनुसंधान के हैं। अगला क्वेश्चन, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थी है आश्रित चर, स्वतंत्र चर, मध्यस्थ, कोई नहीं, बताओ जल्दी से क्या होगा आंसर। आश्रित चर होता है विद्यार्थी। आ गया उत्तर हमारा, स्वतंत्र चर होता है शिक्षक, मध्यस्थ चर होता है पाठ्यक्रम,
तो फर्स्ट आंसर है। अगला, निम्न में से कौन सा मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है? शैक्षिक उद्देश्य, मूल्यांकन, शिक्षण अनुभव, अधिगम अनुभव। क्या होगा जवाब, फटाफट से दीजिए। जल्दी से बताइए। देखिए, ब्लूम ने दिया है त्रिकोण जिसके अंदर शैक्षिक उद्देश्य है, मूल्यांकन है, अधिगम अनुभव है, शिक्षण अनुभव नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट। डैश में मापन की भूमिका, सब सीखी हुई कुशलताओं में निष्पादन का एक महत्वपूर्ण अवलोकन देती है। क्या होगा आंसर, निर्माणात्मक मूल्यांकन, योगात्मक मूल्यांकन, निदानात्मक मूल्यांकन, या कोई नहीं? सीखी हुई भूमिका, भाई सीधा सा बता रहा है, आपने जो सीख लिया पूरे साल, आपने जो सीखा, उन कुशलताओं का आपने निष्पादन किया, तो उसका जो अवलोकन है वो योगात्मक मूल्यांकन कहलाता है, क्योंकि यही अंतिम में करवाया जाता है। और ये जो अंतिम में हम करवाते हैं, इसी के माध्यम से हम बच्चों को ग्रेडिंग सिस्टम देते हैं। ठीक है, अगला 27। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत अधिक महत्व दिया गया है। भौतिक संसाधनों को, शिक्षित एवं अभिप्रेरित अध्यापकों को, बालकों के लिए ज्ञान के संदर्भ में संरचित अनुभवों को, बालकों के लिए संरचित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधार को। बताइए क्या होगा आंसर। सो राइट आंसर इज बालकों के लिए संरचित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधार को। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी विशेषता परिपक्वता को अधिगम से अलग करती है? स्वाभाविक प्रक्रिया है, अभ्यास पे निर्भर करती है, प्रेरकों पे निर्भर करती है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। तो ये जो है, ये तो अधिगम है, ये भी अधिगम है, ये भी अधिगम है। स्वाभाविक प्रक्रिया अधिगम नहीं होती, क्योंकि अनुभव अभ्यास प्रशिक्षण से होता है। स्वाभाविक होती है परिपक्वता, स्वतः, प्राकृतिक रूप से, स्वाभाविक रूप से। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के संबंध में सही नहीं है? ठीक है, तो इसका खंड 26 विद्यालयों में शिक्षकों की रिक्तियों को भरने से संबंध है। इसका खंड 28 शिक्षकों के द्वारा निजी तंत्र को प्रतिबंधित करता है। इसका अध्याय 3 पाठ्यक्रम में मूल्यांकन क्रिया से संबंध है। हालांकि चौथा ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा, बट हमारा उत्तर मिल गया है, तो कोई बात नहीं, उत्तर होगा सी, क्योंकि तीसरे अध्याय के अंदर में समुचित सरकार और माता पिता के दायित्व है, ना कि आपकी ये प्रक्रिया। अगला एंड लास्ट क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के किस अध्याय में विद्यालय शिक्षकों की जिम्मेदारियों का वर्णन है? अध्याय 1, अध्याय 3, अध्याय 4 या फिर अध्याय 2? तो राइट आंसर फटाफट से बता दीजिए। सही जवाब होगा सी, आप सभी ने दे दिया होगा। तो थैंक यू सो मच विद्यार्थियों, क्लास में बने रहने के लिए। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। सभी विद्यार्थी जो है जुड़े रहें, हम अभी बहुत जल्द सेकेंड ग्रेड का कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, तो ऑल द वेरी बेस्ट सभी विद्यार्थियों को नए एक स्टार्टिंग के लिए। तो वेरी सून आप लोगों को अक्टूबर में, अक्टूबर के अंदर कोर्स मिलेगा। तो तब तक के लिए सभी विद्यार्थी जो है वो हमारे साथ बने रहिए।